अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माज अहमद सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमने एक होम विजिट पे जाना है बनी गाला, जिसमें हमने डिफरेंट कैट्स की डिवर्मिंग करनी है। तो चलें चलते हैं, मेडिसिन रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बाकी। रुको जरा, सबर करो। One hour later. माज भाई, क्या सीन है? इतने चुप क्यों बैठे हो, खामोश क्यों हो? बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। C11 से अभी बनीगाल आए थे तो हमने डिवर्मिंग कर दी है, तो बस अब थोड़ा सा खाने का। बताएं यार, डिवर्मिंग क्यों करते हैं और कब करते हैं? एक कैट्स की और डॉग्स की क्या एज होनी चाहिए डिवर्मिंग के लिए ना, ये थोड़ा गाइड कर दे हमें। मजा नहीं आ रहा है। आप डॉग या कैट की डिवर्मिंग 40 डे की एज पे करते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि आपको हर 3 मंथ्स के बाद उसकी डिवर्मिंग करनी होती है। डिवर्मिंग में आप फेनबेंडाजोल, रिंडल प्रेस, प्रेफरिन या कैनीवर्म की टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। डिवर्मिंग करने का जो कहाँ से लें दे फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इंटेस्टाइनल वर्म्स होते हैं कैट या डॉग की बॉडी के अंदर, तो उसके थ्रू रिमूव हो जाते हैं। अगर वो वर्म्स अंदर रहें तो आप जो भी खाने में देते हैं तो उससे वो वीक हो जाता है और उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से डिवर्मिंग करते हैं। और वैक्सीनेशन का ये होता है कि किटन की जो वैक्सीनेशन होती है वो 3 मंथ्स के बाद होती है, जिसमें बायोफिल पीसीएच प्लस रैप्सिन लगता है। और डॉग की जो वैक्सीनेशन होती है वो 40 डेज़ के बाद होती है, जिसमें 2 4 शॉट्स लगते हैं, 2 प्राइमर डॉग के और 2 बायोकैन एलाव के।